हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट आईपीएल मैच की, बट उससे पहले आपसे पूछ लूं आज का कॉन्टेस्ट यानी कि आज का जो सवाल है, फ्री में क्या मिलता है। एक्चुअली बहुत कुछ मेरे दोस्त। फैन टू प्ले पे पहले 4 गेम्स खेलो बिल्कुल फ्री। बस फैन टू प्ले ऐप डाउनलोड करो और खेलो आईपीएल 2022 सिर्फ फैन टू प्ले पर। है सो आपको बताना है इस मैच में, यानी कि जो मैच को मैं कवर करने वाला हूं, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा। सिंपल सा आंसर जल्दी दे दीजिए, क्योंकि शुरुआती 10 कमेंट जो सही होंगे सिर्फ उनको 100 रुपए पेटीएम कैश मिलेगा। शुरुआती 10 कमेंट जो करेक्ट होंगे विदाउट एनी एडिट, ठीक है, और एक बंदा सिर्फ एक बार विन कर सकता है। तो मल्टीपल आंसर मत कीजिएगा वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी से आंसर कर दीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और शुरू करते वीडियो को। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 मिनट में वीडियो भी खत्म कर दूंगा। सो गाइज, ये जो मैच है ये खेला जाएगा पंजाब वर्सेस कोलकाता के बीच में। अगर आप बात करें वेन्यू की, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच होगा, जहां पे एक बैटिंग वेन्यू देखा जाता है और पेसर्स को भी काफी मदद मिलती है। 1 अप्रैल को ये मुकाबला खेला जाएगा 7:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। पिच रिपोर्ट वही है, बैटिंग फ्रेंडली और पेसर फ्रेंडली। आगे हम डिटेल में बात कर लेते, तो वेन्यू एक्सपीरियंस पहले देखेंगे। इस वेन्यू पे जो प्लेयर्स ने मैचेस खेले तो किन के पास कितना एक्सपीरियंस है। इस देखिए पिछले 2 साल में मयंक अग्रवाल ने यहां पे 3 मैचेस खेले हैं और 27 रन प्रति मैच के हिसाब से परफॉर्मेंस दिया है। आयस खान की बात तो 3 मैच में 22.7 रन प्रति मैच इन्होंने बनाए हैं, और यहां पे रसल ने 21 रन प्रति मैच बनाए हैं। नितेश राणा ने यहां पे 17 रन प्रति मैच बनाए हैं। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो उमेश यादव ने एक ही मुकाबला खेला जिसमें इन्होंने 2 विकेट ली थी। ए सिंह ने 1.7 विकेट्स पर मैच का परफॉर्मेंस दिया है। चक्रवर्ती को 1.3 विकेट्स पर मैच यहां पे मिलती है और रसल को 1 विकेट पर मैच यहां पे मिलती है। सबसे इकोनॉमिकल बॉलर यहां पे उमेश यादव देखे गए, और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर यहां पे आंद्रे रसल देखे गए पिछले 2 साल में T20s में। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेयर बैटल की, दोनों टीमों के कौन से प्लेयर्स हैं जो आमने सामने भिड़ते हैं तो कुछ अलग से स्टैट निकल के आते हैं। तो इसमें देखते हैं संदीप शर्मा वर्सेस अजिंक्य रहाणे। 77 बॉलों में 71 रन और सिर्फ 2 बार विकेट लिया है। ये देखिए संदीप शर्मा ने अय्यर का काफी विकेट लिया है। श्रेयस अय्यर के खिलाफ संदीप शर्मा अच्छा करते, 56 बॉलों में 3 बार विकेट ले चुके और सिर्फ 47 रन दिए। बेनी होवेल ने सैम बिलिंग्स के खिलाफ बहुत अच्छा करा है, तो टीम बेनी होवेल को ला सकती है। 46 बॉल में 44 रन दिए और 4 बार विकेट निकाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट है। फिर बात करते हैं आर धवन ऋषि धवन वर्सेस अजिंक्य रहाणे, तो इसमें देखने को मिलेगा 34 बॉल में 35 रन देकर 2 बार इन्होंने भी विकेट निकाली। इसके बाद आर्चर बेनी होवेल ने नितेश राणा और रसल की भी एक एक बार विकेट निकाली। तो अगर ये आपको लगता है इंपॉर्टेंट स्टैट है तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में और ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं पंजाब के बैट्समैन और केकेआर के बॉलर्स की। इसमें आपको देखने को मिलेगा नारायण ने धवन के खिलाफ बॉलिंग जो करी है, 76 बॉल है उसमें 2 बार उनकी विकेट निकाली और 85 रन दिए। बहुत अच्छा स्टैट नहीं होगी 76 बॉल लेने के बाद 2 विकेट निकाल पाए हैं। उमेश यादव की बात करें तो 76 बॉल में 86 रन है शिखर धवन के सामने और 1 बार विकेट लिया है, कोई बहुत अच्छा स्टैट नहीं है। यहां पर टीम साउदी का स्टैट एक बहुत अच्छा देखने को मिला है, 38 बॉल्स में 37 रन दिए और 2 बार विकेट निकाली। धवन को थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो टीम साउदी क्रिएट करके दे सकते हैं। रसल वर्सेस धवन देखेंगे तो 35 बॉल में 50 रन 1 विकेट, रसल की तो काफी पिटाई करी है शिखर धवन ने। इसके बाद आप देख सकते हैं सी वरुण यहां पे धवन के खिलाफ काफी इफेक्टिव साबित हुए, 2 बार विकेट निकाली है, और अग्रवाल के खिलाफ नारायण जो है इन्होंने भी काफी विकेट निकाली हुई, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं एम अग्रवाल वर्सेस उमेश यादव, 24 बॉल 28 रन और 1 विकेट, और रसल वर्सेस मयंक अग्रवाल 23 बॉल में 22 रन देकर 2 बार विकेट। रसल मयंक के सामने भी अच्छा करते हैं, ठीक है, और वरुण चक्रवर्ती का भी देखिए, मयंक अग्रवाल के सामने अच्छा करा हुआ है 19 बॉल में 15 रन देकर 1 विकेट, और वरुण चक्रवर्ती ने धवन के सामने भी अच्छा किया हुआ है, तो चक्रवर्ती भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं फैंटेसी टिप्स की, तो इस दौरे पे जो टीमों ने मैचेस खेले उसमें प्लेयर्स का क्या परफॉर्मेंस आई। अब देखिए केकेआर की टीम जो है वो अभी तक 2 मैचेस खेल चुकी है, तो देखिए श्रेयस अय्यर ने 30 पॉइंट्स प्रति मैच के हिसाब से परफॉर्मेंस दी है, रहाणे ने 41 पॉइंट्स प्रति मैच, और शिखर धवन ने 60 पॉइंट्स प्रति मैच, और मयंक अग्रवाल ने 48 पॉइंट्स प्रति मैच। इसके बाद ऑलराउंडर्स में देखें तो वेंकट अय्यर ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, 18.5 पॉइंट्स प्रति मैच दिए, रसल ने 34 पॉइंट्स प्रति मैच लगभग, और लिविंगस्टन ने 33 पॉइंट और ओडिन स्मिथ ने 30 पॉइंट। ओडिन स्मिथ बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो उमेश यादव ने 70 पॉइंट्स प्रति मैच की परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही लाजवाब। चक्रवर्ती ने 37 पॉइंट्स प्रति मैच, चहर ने 41 पॉइंट्स और ए सिंह ने 29 पॉइंट्स। तो ये है स्टैट अभी के 2 मैचेस जो खेले केकेआर ने, और इसके अलावा बाकी जो पंजाब की टीम ने 1 मैच खेला उसका स्टैट है। आगे हम बात करते हैं वेन्यू स्टैट की, तो देखिए इस वेन्यू पे इंटरनेशनल लेवल पे 7 मैचेस खेले गए, 5 चेजिंग में जीते गए, और बैटिंग फर्स्ट का एवरेज स्कोर 195 बनता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे काफी हाई स्कोरिंग वेन्यू ये माना जाता है, 190 के अबव 4 बार बना भी है। और डोमेस्टिक लेवल पे देखेंगे तो उतना बैटिंग फ्रेंडली नहीं माना जाता, बट फिर भी स्लाइटली बैटिंग को हेल्प रहती है, 167 एवरेज स्कोर निकल के आता है, और यहाँ पे 40 मैच में से आप देख सकते हैं 85 मैच में से 45 मैच बैटिंग सेकंड ने जीते, तो ज्यादा फर्क नहीं है बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड का। स्कोरिंग पैटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको 170 से
189 की रेंज दिखेगी। 30 बार ऐसा हुआ है कि 170 से 189 का स्कोर हुआ इस वेन्यू पे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिरी मैचेस जो इस वेन्यू पे खेले गए। तो अभी 28 मार्च 2022 में आपने मैच देखा था लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस का, जिसमें सुपर जायंट्स काफी कम स्कोर पे आउट हो गई थी 158 पे और टाइटंस ने उसको चेस डाउन कर लिया था 161 रन बना के। इसके पहले जो एक मैच हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का, तो उसमें देखिए चेन्नई ने 131 बनाया था और नाइट राइडर्स ने उसको चेस किया था 133 रन बना के। कोलकाता के पास एक एडवांटेज और रहेगा कि वो इस सीजन में एक मैच यहां पे खेल चुके हैं, जो कि पंजाब के पास एडवांटेज नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़े से स्टैट को आप देख लीजिए जो आखिरी मैचेस वेन्यू पे खेले गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं रीसेंट फॉर्म की। पंजाब ने एक मैच खेला, वो जीत गई और केकेआर ने दो जीते, उसमें से वो एक जीते हैं। हेड टू हेड स्टैट की बात करें तो देखिए 29 मैचेस आपस में इन दोनों टीमों ने खेले, कोलकाता 19 जीती है और पंजाब मात्र 10 जीती है। आखिरी देखिए 5 हेड टू हेड मुकाबलों में कोलकाता ने 3 मैचेस जीते और पंजाब ने 2 मैचेस जीते हैं। यहाँ पे आप एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जब टीमें बैटिंग फर्स्ट और सेकंड करती है तब उनकी क्या रिजल्ट होते हैं, तो बैटिंग सेकंड में आमतौर पर केकेआर ज्यादा बेटर करती है, 13 बार जीती है। इसके बाद हम रीसेंट फॉर्म देखते हैं टीमों के आखिरी 5-5 मैच में कैसा परफॉर्मेंस है। तो दोनों टीमें 3-3 मैचेस जीत के आई हैं। रीसेंट फॉर्म में आप इनके परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं, जैसे कि 2022 में केकेआर का जो परफॉर्मेंस रहा और 2021 में जो रहा था अपोजिशन टीम के खिलाफ, तो दोनों मैंने यहाँ पे अपडेट करे स्कोर्स, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। केकेआर का लास्ट मैच का अपडेट नहीं है, लास्ट सेकंड मैच का, सो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस की। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा आखिरी 5 हेड टू हेड मुकाबले जो कोलकाता पंजाब के बीच में हुए। तो आखिरी मैच 1 अक्टूबर 2021 को हुआ था, उसके पहले 26 अप्रैल 2021 और 26 अक्टूबर 2020। तो पिछले एक साल के अंदर अगर आप देखें तो कोलकाता पंजाब के बीच में 2 मुकाबले हुए और दोनों मैचेस में एक में पंजाब जीती और एक में केकेआर जीती। स्कोरिंग देखेंगे तो एक मैच में 165 के अराउंड हुई थी और एक में 123 के आसपास हुई थी। बाकी हिस्ट्री भी आपके सामने है। आगे हम बात करते हैं टीम हिस्ट्री की। तो जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ तब से 207 मैचेस खेल चुकी कोलकाता की टीम और 50% इनका विनिंग परसेंटेज चलता है। वहीं टीम पंजाब की बात करें तो 199 मैचेस खेलो इनका 45 या 46 के आसपास का विनिंग परसेंटेज बनता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो कोलकाता ने ज्यादा मैचेस विन करे हैं अपनी फ्रेंचाइजी। ठीक है, केकेआर की प्लेइंग 11 की बात करते हैं जल्दी से। तो यहां पे देखिए वेंकटेश अय्यर ओपन करेंगे अजिंक्य रहाणे के साथ। अय्यर का 38 का एवरेज है बट इस सीजन कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, बट इसका मतलब यह नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट होंगे। 67 अपोजिशन टीम के खिलाफ इनका रिकॉर्ड भी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। प्लस ये प्लेयर भी बहुत अच्छे रेपुटेशन के है, सो इनको आप हल्के में मत लीजिएगा, थोड़ा बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं, इसलिए इनको तो आपको लेना ही है। इसके बाद अजिंक्य रहाणे का हेड टू हेड देखेंगे तो लास्ट 3 मैच में 2 बार एवरेज परफॉर्मेंस दिया है और इस सीजन 9 और 44 दो स्कोर इन्होंने बनाए हुए हैं। इसके पहले बात करें श्रेयस अय्यर की तो 33 का इनका एवरेज बनता है। लास्ट 2 मैचेस से श्रेयस अय्यर भी जो थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे, हालांकि इससे पहले अगर आप देखें इस आईपीएल के 2 मैचेस से पहले इनके 3 स्कोर जो रहे थे 70+, 70+, 50+, ये 3 स्कोर रहे थे। और हेड टू हेड भी देखें तो आखिरी 3 मैचेस में 2 बार बहुत शानदार परफॉर्मेंस करी अपोजिशन टीम के खिलाफ। तो श्रेयस अय्यर के चलने के चांस इस मैच में काफी हैवी रहेंगे और रहाणे के ठीक ठाक रहेंगे और वेंकटेश के ठीक ठाक, शेष इससे काफी उम्मीदें हैं। नीतीश राणा की बात करें तो 28 का इनका एवरेज होता है। अपोजिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड देखें तो आखिरी 3 मैचेस में 2 बार ये 0 पे भी आउट हुए हैं, हालांकि आखिरी मैच में 31 भी लगाया हुआ है। राणा भी डिसेंट बैटर हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं सुनील नारायण, सैम बिलिंग, शेल्डन जैक्सन पे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 15 का एवरेज सुनील नारायण का बनता है, जिसमें अगर आप परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो यहां पे रीसेंट फॉर्म सुनील नारायण की बैटिंग में बहुत नीचे आते, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है। अपोजिशन टीम के खिलाफ बैटिंग रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है, बॉलिंग में अच्छा कर सकते हैं अगर स्पिन को थोड़ी बहुत मदद होती है, तो विकेट टेकर बॉलर है। रीसेंट फॉर्म देखेंगे तो हालांकि वो भी थोड़ा सा एवरेज चल रहा है। हेड टू हेड में आखिरी 3 मैच में 2 बार अच्छा परफॉर्मेंस करा है। सैम बिलिंग्स की बात करें तो देखिए कभी कभी अच्छा खेल जाते हैं, टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता है। रीसेंट फॉर्म आप इनका यहां से देख सकते हैं, हेड टू हेड बहुत ही ज्यादा खराब है। शेल्डन जैक्सन ये टीम के लिए विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो आपको कैच स्टंपिंग से पॉइंट दिला सकते हैं। डोमेस्टिक में बहुत अच्छा भी खेलते हैं बट इस सीजन जो 2 इनिंग्स इन्होंने खेली वो उतनी अच्छी आईपीएल में खेली नहीं है, बट इसके पहले जब डोमेस्टिक खेल के आए थे तो उसमें जब जब इनको मौका मिल रहा था अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो अगर टीम इनको प्रमोट कर दे तब तो ये इंपॉर्टेंट होंगे, बट इस बैटिंग पोजीशन पे आई डोंट थिंक ये अच्छा कर पाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं और प्लेयर्स की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा आंद्रे रसल। रसल का देखिए 25 का एवरेज बनता है, लास्ट मैच में 25 भी लगाया। हेड टू हेड में भी देखें तो ज्यादा खास परफॉर्मेंसेस नहीं है, बट यही एक डेथ बॉलर है, 3-4 ओवर बॉलिंग करते ही करते हैं, तो ये आपको बॉलिंग से विकेटें लेके दे सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो थोड़ा बहुत हिट कर सकते हैं और एक आध विकेट, तो कप्तानी वाइज कप्तानी के ठीक ठाक पिक होंगे। आखिरी मैच में टिम साउदी ने 3 विकेट निकाले, बट ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले के 2 मैचेस में भी 3-3 विकेट साउदी निकाल के आ रहे थे। और हेड टू हेड हालांकि इनका थोड़ा सा खराब है बट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो रहने वाले हैं, इनको आप जरूर टीम में लीजिएगा। इवन डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। उमेश यादव मिड लेन के ओवर्स आपको शुरुआत में देखेंगे, अगर स्विंग विंग मिलता है तो उससे अच्छी विकेट इनको मिल सकती है। आखिरी 2 मैचेस से आईपीएल में 2-2 विकेट लेके जा रहे हैं। हेड टू हेड में आखिरी बार 3 विकेट अपोजिशन टीम के खिलाफ निकाले थे। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती की बात करें, रीसेंट फॉर्म इनका देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं देखने को मिल रहा, अगर स्पिन को मदद मिली तो अच्छा कर सकते हैं, क्वालिटी बॉलर है। अपोजिशन टीम के खिलाफ लास्ट 2 मैचेस
मैचेस में दो और एक विकेट इन्होंने निकाली हुई है। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा बेंच स्ट्रेंथ पे, जिसमें इनके पास शिवम मावी है, मोहम्मद नाबी है, छमिका करुणरत्न है और रसिक सालम है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। स्टैट वगैरह मैंने मेंशन कर दिए, अगर कोई प्लेयर खेल जाता है तो स्टैट के बेस पर उसको ले सकते हैं। ये भी कुछ प्लेयर्स हैं जो बेंच का हिस्सा है केकेआर की, सो अगर इनमें से कोई प्लेयर खेलता है तो स्टैट आप देख सकते हैं, चाहे तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं पंजाब के प्लेइंग 11 की। तो पंजाब की प्लेइंग 11 क्या होगी, शिखर धवन ओपन करेंगे मयंक अग्रवाल के साथ। 32 का एवरेज है शिखर धवन का, हेड टू हेड बहुत ही सॉलिड है। आखिरी तीन मैचेस में मिनिमम स्कोर 24 का है, मैक्सिमम 46 का है। अगर आप एवरेज निकालने बैठेंगे तो लगभग इनका एवरेज जो है वो 35 के आसपास निकल के आना चाहिए आखिरी तीन मैचेस का हेड टू हेड में। यानी इस मैच की प्रेडिक्शन ये हो सकती है कि शिखर धवन 35 के आसपास तो स्कोर करने चाहिए। मयंक अग्रवाल की वही हम बात करें तो लास्ट मैच में 32 लगाया, उसके पहले अगर आप अपोजिशन टीम के खिलाफ तीन मैचेस देखेंगे तो उसमें 250 प्लस के स्कोर है, एक बार जीरो पे भी आउट हुए। तो मयंक अग्रवाल से भी इस मैच में काफी उम्मीद रहेगी। अगर आप पूछे कि एक एवरेज स्कोर क्या बना सकते हैं मयंक अग्रवाल, तो इनका जो एवरेज निकल के आता है वो तकरीबन निकल के आता है 35 के आसपास। तो वही सेम है जो शिखर धवन का, 35-35 दोनों आई थिंक बना सकते हैं। भानुका राजपक्षा देखिए थोड़े से अटैकिंग नेचर के प्लेयर हैं, अगर खेल गए तो खेल गए वरना जल्दी भी आउट हो जाते हैं। ये इनके कुछ परफॉर्मेंसेस हैं T20s में, श्रीलंकन टीम में उतना इनको अब प्लेस नहीं मिल रही है, बट अगर आप देखें तो 107 मैच में 2005 रन बनाए, 23 के एवरेज से खेले, स्ट्राइक रेट काफी हाई इनका रहता है और अटैकिंग नेचर के लिए जाने जाते हैं। फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टन जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं प्लस बैटिंग काफी अच्छी करते हैं। हालांकि T20s में आखिरी 5-6 मैच इनके उतने अच्छे नहीं चल रहे, बट अगर आपने द 100 टूर्नामेंट देखा होगा तो उसके ये हीरो थे, लगभग हर मैच में ये 50-60 लगा के जा रहे थे, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं और किसी भी दिन बढ़िया बॉलिंग और बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं। यानी सेफर ऑप्शन होते हैं ये कप्तानी वाइज, कप्तानी की बैटिंग पोजीशन कोई बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं है, तो लिविंगस्टन इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद बात करते हैं राज बावा की, एक ही मैच खेला, 0 रन बनाए इन्होंने, कोई खास परफॉर्मेंस से उम्मीद मत कीजिएगा। फिर शाहरुख खान, ओडिन स्मिथ और अर्शदीप सिंह आते हैं, जिसमें ओडिन स्मिथ से हम हमेशा अच्छा एक्सपेक्टेशन करते हैं। लास्ट मैच में इन्होंने कुछ रन भी बनाए थे और हालांकि इनको कोई विकेट नहीं मिल पाई थी, बट ये डेथ ओवर्स के आसपास बॉलिंग कर लेते हैं, प्लस ये हमेशा एक बैकअप होते हैं टीम का रन बनाने के लिए। आपने वेस्ट इंडियन टीम में कई बार देखा होगा डोमेस्टिक लीग में कि ये बंदे ने अकेले 30-30, 35-35 रन बना दिए, बहुत एफर्टलेसली बैटिंग करते हैं। हालांकि बैटिंग स्टाइल वही है अटैकिंग वाला, बट वही है कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देके जा सकते हैं ओडिन स्मिथ। अर्शदीप सिंह देखिए प्रॉपर डेथ में गेंदबाजी करने चाहिए, बट पिछले मैच में उत्तर डेथ में इनको गेंदबाजी मिली नहीं। जब शमी के साथ खेला करते थे तो शमी और अर्शदीप प्रॉपर डेथ में गेंदबाजी करते थे, बट अब शमी नहीं है, अर्शदीप अकेले हैं, तो ये डेथ में गेंदबाजी मेरे हिसाब से तो करने चाहिए। ओडिन इनका साथ दे सकते हैं या फिर इनके पास क्या ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इनके पास ऑप्शन है डेथ बॉलिंग की संदीप शर्मा, जिनका पिछले मैच में यूज किया गया था, आपने देखा प्रॉपर डेथ में इन्होंने गेंदबाजी करी। हालांकि दोनों मैच में ये विकेटलेस गए, हालांकि एक ही मैच खेला था आईपीएल, बट उसके पहले वाले आईपीएल में भी विकेटलेस थे। देखिए अपोजिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड भी इतना अच्छा होल्ड नहीं करते, बट वही है कि आप इनको टीम में ले सकते, फर्स्ट बॉलिंग के केस में तो ले ही सकते, सेकंड बॉलिंग केस में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। राहुल चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे 4 ओवर करने की गारंटी रहेगी, क्वालिटी स्पिन है, अपोजिशन टीम के खिलाफ कई बार अच्छी खासी विकेट ली हुई है, देखिए आखिरी 3 मैच में टोटल 6 विकेट इनके नाम पे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फिर बेंच में आप देख लीजिए, बेंच में जो प्लेयर्स अवेलेबल है जैसे कि ऋषि धवन हो गए, प्रभ सिमरन सिंह हो गए और ईशान पोरेल हो गए, इनके स्टैट देख लीजिएगा। यहां पे ऋषि धवन का काफी बढ़िया स्टैट है, हेड टू हेड अच्छा नहीं है बट रीसेंट फॉर्म काफी बढ़िया दिख रहा है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं बेंच स्ट्रेंथ की, तो ये कुछ प्लेयर थे। बेनी होवेल का मैंने आपको स्टैट बताया था प्लेयर बैटल में, तो ये भी इंपॉर्टेंट होंगे। सैम बिलिंग्स के सामने इसको लाया जा सकता है, नेथन एलिस तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहा है, अभी नहीं खेलेंगे, और बाकी ये है बेंच स्ट्रेंथ, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं डेथ ओवर्स की, तो देखिए केकेआर की तरफ से आंद्रे रसल, टीम साउदी से डेथ बॉलिंग एक्सपेक्टेड रहेगी, और पीबीकेएस की तरफ से संदीप शर्मा, ओडिन स्मिथ और अर्शदीप सिंह। वैसे संदीप को मैं एज अ डेथ बॉलर नहीं देखता, शुरुआती ओवर्स के लिए ठीक रहते हैं बट डेथ में उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाते। डेथ बॉलर्स में प्रॉपर डेथ बॉलर में अर्शदीप सिंह और ओडिन स्मिथ को ही मेरे हिसाब से डेथ गेंदबाजी करनी चाहिए। इस मैच में थोड़ा सा पैटर्न पंजाब को चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फैन टू प्ले की टीम की। अगर आपने फैन टू प्ले पे अभी तक देखिए रजिस्टर नहीं करा तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया हुआ है, रेफर कोड एफएक्स लगा के आपको साइन अप करना है। फायदा उसका ये होगा कि आपको बोनस मिलेगा, फ्री एंट्रीज मिलेंगी और एफएक्स गिवअवेज भी मिलेंगे, ठीक है, एफएक्स के गिवअवेज, तो एफएक्स कोड लगा के साइन अप कर लीजिएगा। मेरी टीम देख लीजिए फैन टू प्ले पे, सैम बिलिंग्स को मैंने टीम में लिया है, अजिंक रहाणे, मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर और शिखर धवन को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन से मैं उठा रहा हूं लिविंगस्टन को, आंद्रे रसल को और वेंकटेश अय्यर को। स्टिल मैं इनको बैक कर रहा हूं क्योंकि परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहता है, दो आईपीएल मैचेस से भले अच्छा ना रहा हो बट आप इनको टीम में जरूर लीजिएगा। फिर आते हैं अर्शदीप सिंह, टीम साउदी और ओडिन स्मिथ, जिनको मैंने टीम में जगह दी है। ग्रैंड लीग में ओडिन स्मिथ को जरूर ट्राई करिएगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्म करके देते हैं, और टीम साउदी के लास्ट
लास्ट तीन मैचेस तो बहुत जबरदस्त गए, हर बार तीन तीन विकेट लेके जा रहे हैं, तो फर्स्ट बॉलिंग की केस में ये फिर से दो से तीन विकेट लेके जा सकते हैं। कप्तानी मैंने आंद्रे रसल को दी है जो तीन से चार ओवर बॉलिंग करेंगे और डेथ ओवर के आसपास ही ज्यादा बॉलिंग करते हैं। अगर इनके ओवर्स कट भी हो जाते हैं तो भी इनको डेथ के आसपास दो ओवर तो मिल ही जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंस इनकी अच्छी है, प्लस हिटिंग कर सकते हैं। वाइस कैप्टनसी मैंने लिविंगस्टन को दी है जो चार पे बैटिंग करेंगे, प्लस बॉलिंग का भी अच्छा खासा चांस होता है, ठीक है। बाकी आप चाहें तो शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, मयंक अग्रवाल, ये तीन भी काफी क्वालिटी बैट्समैन है जिनके साथ आप एज अ कैप्टन या वाइस कैप्टन जा सकते हैं। अगर आप इन दोनों के अलावा किसी के साथ जाना चाहते हैं तो ये तीन बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, ठीक है। आईपीएल का देखिए आज आखिरी ऑफर है ये फैन टू प्ले पे, जो आपको अच्छे खासे ऑफर्स मिल रहे हैं, 50% एक्स्ट्रा बोनस, 100% एक्स्ट्रा बोनस और रियल कैश वगैरह, तो जल्दी से इसको अवेल कर लीजिए वरना ये ऑफर एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो, मैंने आपको टोटल एक्सप्लेन कर दिया इस मैच में क्या कुछ होने वाला है, तो बिग पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और हाँ एक और चीज, टेलीग्राम पे मैं आपको फन अपडेट दूंगा जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।